बिहार के अररिया में लॉकडाउन में ड्यूटी निभा रहे बिहार पुलिस के चौकीदार ने जब एक अफसर की गाड़ी रोकी तो उसने बस सलूकी की सारी हदें तोड़ डाली। उसने होमगार्ड के जवान से सड़क पर ही उठक बैठक करवाई, जेल में डालने की धमकी दी और चलता बना। हैरानी की बात यह है कि इस बस सलूकी में इलाके का दारोगा भी शामिल था। ये कथा है एक बेलगाम अफसर के बेशर्म हो जाने की। हुजूर का दीदार कीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी बेशर्मियां बहुत कम देखने को मिलती है। इनका नाम है मनोज कुमार और ओहदा है जिला कृषि अधिकारी, जिला अररिया, बिहार। और ये उठक बैठक लगाते बुजुर्ग है गणेश तात्मा। गणेश होमगार्ड के जवान है और कोरोना ड्यूटी पर तैनात थे। तो अफसर जी के ललाट पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ है जिला कृषि अधिकारी। नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इन मनोज कुमार को लगता है। दौरे पर निकले थे, गाड़ी दनदनाती हुई दौड़ी जा रही थी, गणेश ड्यूटी पर थे, हाथ दिया का हुजूर कर्फ्यू पास दिखा दीजिए, हमें आदेश है। फिर क्या था, मनोज कुमार की आत्मा में बैठा हुआ अफसर सांप हो गया, हुपकारने लगा। पास में दारोगा खड़ा था, उसकी सट्टी पिट्टी गुम। और इसके बाद जो हुआ आपके सामने। मनोज कुमार ने ना तो गणेश तात्मा की उम्र का ख्याल किया और न ही उनके आत्मसम्मान का। इस बिगड़ैल कृषि अधिकारी के लिए एक गरीब आदमी का आत्मसम्मान जूते का तल्ला था, मसल डाला और दारोगा अफसर का गुलाम हो गया था। लेकिन इस बिगड़ैल अफसर की ज्यादती यहीं नहीं रुकी। ये अफसर खुलेआम धमकी देता है और कहता है कि वो कोरोना की ड्यूटी निभा रहे इस जवान को जेल में डलवा देता और ऐसा न करके वो एहसान कर रहा है। अफसर जी के ऐसे सुनहरे बर्ताव की खबर पटना पहुंची तो बिहार की सरकार शर्मसार हो गई, लेकिन कहती क्या। आज का अर्थ होगा कि सूक्ष्म तरीके से कौन कौन लोग वहाँ उपस्थित थे। अब आज की दुनिया में तो मोबाइल की दुनिया है, ट्रैकिंग की दुनिया है, लोकेशन मिल जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन के जांच पर भरोसा होना चाहिए और जिला प्रशासन ने इमीडिएट इसको संज्ञान में लिया और संयुक्त रूप से जांच का आदेश दिया है तो उसका फलाफल महत्वपूर्ण होगा। उपकार रहेगा मंत्री जी, लेकिन आपको भी पता है कि एक होमगार्ड के आत्मसम्मान को कुचलने वाले कृषि अधिकारी पर कार्रवाई के मामले में क्या होता है। और अगर कुछ होता है तो अपने ओहदे से गरीबों को रौंदने वालों के लिए ये एक सबक होगा। आज तक ब्यूरो।